और ये शंकर भाई खरीद रहे हैं, ये बोले जो खरीद लेते हैं। ये रामायण गीता उतर रखने के लिए, और ये दुकान लगा हुआ है ऐसा। इस सब गाना गाने पे लगे हुए थोड़ा थोड़ा, लेकिन मथुरा हम लोग गए हैं नहीं, लेकिन फील हो रहा है जरूर ना, अंदर में जाने के बाद फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी दो तीन जगह है, चलते हैं। और परसों से स्कॉर्पियो का ड्राइव कर रहे हैं, और अभी इस पे भी चलने में मजा आता है। देखिए गाय भाई पूरा, और यही रास्ता है, चलते हैं आगे। और एक मंदिर उधर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे चलेंगे भाई। बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, लेकिन अंदर काउंटर पे ही यहाँ पे देना पड़ेगा मोबाइल, अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है मोबाइल, सख्त निर्देश है। देखते हैं ऐसे पूछ के। ये देखिए यहाँ पे पूरा अंदर नहीं दिखा पाया आप लोग को, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं। इतना सुंदर लगता है ना देखने में, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि प्रशासन वगैरह भी है, बहुत ही बेहतरीन है अंदर में। हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहली बार इतना अच्छा मतलब गए, और जो है सो चलाएंगे। वैसे मथुरा काशी का तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ हम आए इतना अच्छा लगा, बैठ गए। चलिए हम धन्यवाद उस भाई का, और ये टोटो चला रहे हैं। धन्यवाद उस भाई का जो बताया यहाँ के बारे में। धन्यवाद शिव शंकर का, बाद में करेंगे जब सही सलामत पहुँच जाएंगे। वेस्ट बंगाल में ही रिक्शा, और इधर सुंदर मुंह वाला एक बार बैठे हुए। और देखिए एक और भयंकर भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर, ये भी है, सभी यही का है। और गर्मी भी उतना ही ज्यादा लग रहा है, बहुत गर्मी। फिर गाड़ी में जाएंगे उसके बाद। स्पेस देखिए उधर लकड़ी उकड़ी रखा हुआ है, और देखिए अंदर यहाँ भी अलाउड नहीं है, बाहर बाहर कैंपस से दिखा रहे हैं। हाँ फोन है तो चलिए चलते हैं, जब बोल रहे हैं फोन है तो लेके चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए यही है द्वार। बारे में कुछ पता नहीं है हमको, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, देख रहे हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। इतना धूप है जो फोटो वोटो भी यहाँ पे खींच नहीं पाए बाहर से भी, अंदर तो अलाउड ही नहीं था वीडियो फोटो कुछ भी। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से भी चलेंगे, अब यहाँ से भी चलते हैं। और कितना जगह है बाबू? और दो जगह, दो जगह और है उस पार रोड के उस पार जहाँ गाड़ी लगाए हैं। चलो ठीक, चलते हैं। पांच जगह घूम लिए ना, दो जगह और है। ये बोला जोगरनाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर होगा। हाँ जगन्नाथ मंदिर बोल दीजिए ना, मिल के आते देख के आते हैं मंदिर में। चलिए ये है मंदिर, इसके भी ऊपर चलते हैं। यहाँ भी जहाँ तक उम्मीद है मोबाइल अलाउड नहीं होगा, और ये पेड़ देखिए कितना है। तो इधर भी नहीं है कलाकारी, बहुत सुंदर मंदिर का, लेकिन देखिए रिक्स लेके आपका बना रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए आर्किटेक्ट कितना बढ़िया है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। देखिए आर्किटेक्ट कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए अंदर का तो थोड़ा सा आपको दिखाया, क्योंकि
जब परमिशन नहीं है तो समझते हैं बात। यही मंदिर है, अब यहाँ भी दर्शन कर लिए। हेलो दोस्तों, अब यहाँ भी दर्शन कर लिए, अब एक जगह शायद और बचा है, तो वहाँ भी चलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठेंगे, हाँ खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे देवघर की ओर। अगर मतलब यहाँ दर्शन नहीं करना होता, अगर यहाँ के बारे में पता नहीं होता तो कब का देवघर पहुँचे होते, लेकिन जब लोगों ने बताया जब अच्छा है और देखे तो वाकई में बहुत अच्छा सुकून मिला। क्या सभी लोग चले गए, एक बचा हुआ है तो वहाँ भी क्यों छोड़े, क्या रमेश भाई, सब लोग घूम गए भूख भूख करके, भूख क्या 10 मिनट में खा लेंगे, 10 मिनट भगवान के लिए इतना दिक्कत नहीं करेंगे, 15-20 मिनट के लिए क्या जाता है, 15-20 मिनट लास्ट ही है, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे खाना खा लेंगे बैठ के। देखिए ये यहाँ भी वही बात होगा जो मोबाइल अलाउड नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं आप लोग को, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, वैसे दिख नहीं रहा होगा कान्हा जी का मूर्ति। चलिए अब चल दिए हैं, दर्शन उर्शन कर लिए हैं उसके बाद। हाँ वहाँ पत्ता का है क्या पेड़, अच्छा बहुत पेड़ है पत्ता, और जानते हैं बंगाल के आदमी का ही बनाया हुआ वो भी मंदिर है। चलते हैं, हम दर्शन कर लिए, हम भूख लगा हुआ है बहुत ज्यादा, फोटो चलते हैं वहाँ दिखाएंगे आप लोग को।